हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले एक और शेयर से रिलेटेड, जिसका नाम है तेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। मार्केट में जहाँ पर मार कटाई चल चालू है, ब्लड बात चालू है, वहां पर आप देखोगे तो ये शेयर लगभग 10% भागता हुआ नजर आया। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उससे रिलेटेड जानेंगे, चार्ट पैटर्न सब चीज यहाँ पर जानते हुए नजर आएंगे। बट उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ कि यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ग्रुप है वेल्थ क्रिएटर प्रीमियम, वहां पर आप देखोगे तो 5/8/2024, ठीक है, 5/8/2024 को ये शेयर हमने बताया था। इसे थोड़ा सा अगर आप जूम कर लोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये शेयर हमने यहाँ पर लगभग लगभग 72 रुपए के आसपास बताते हुए नजर आए थे, 5/8/2024। तो मैं यहाँ पर एक बार निकाल लेता हूँ, 5/8/2024, तो मतलब अगस्त 5 तारीख, तो यहाँ पर ये 5 तारीख है, ठीक है, ये अगस्त की, तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग लगभग 72 रुपीज के आसपास, ये 76 रुपीज के आसपास ये शेयर यहाँ पर चलता था। तो वहां से आप देखोगे तो वहां से इस शेयर में, ठीक है, अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आई है। ये शेयर लगभग लगभग 100%+ के रिटर्न यहाँ पर देता हुआ नजर आया, 100% ज्यादा के रिटर्न, और कितने टाइम में, लेस देन 4 मंथ, ठीक है, 4 महीने भी नहीं हुए है, इस शेयर ने अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न देता हुआ नजर आया, यहाँ पर अच्छे खासे भागता हुआ नजर आया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, जानेंगे इस कंपनी से रिलेटिव फंडामेंटल। आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, चीजों को सीखना है, सीखने के लिए वीडियोज है, हमारा कोर्स है। आप कैसे जान सकते हैं कि हमने किस तरीके से स्टॉक्स को यहाँ पर चूज किया, कैसे चूज किया, तो उसके लिए यहाँ पर एक पूरा कोर्स है, जहाँ पर बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, सब आता हुआ नजर आएगा। 25,000 रुपए कोर्स की कीमत, 3 मंथ की हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन सब कुछ दिया जाएगा। 8860540501, 8169260307, दो नंबर को सेव कर लीजिए। बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, शेयर क्यों भागते, क्यों गिरते, सब पता चलती हुई आपको इस कोर्स में नजर आता हुआ दिखाई देगा। 1-to-1 क्लासेस होगी, काफी इंटरेस्टेड क्लासेस होगी, काफी कुछ आपको समझ में स्टॉक मार्केट के बारे में आएगा। और इस कोर्स को करने के बाद जो जर्नी है ना स्टॉक मार्केट की, बहुत आसानी होती हुई नजर आती हुई दिखाई देगी। तेरा सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, एडुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है, क्या है ये शेयर, इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो मार्केट कैप की बात करें तो 194 करोड़ रुपीज की कंपनी है, तो मतलब क्या एक तरीके से पैनी स्टॉक है। 194 करोड़ रुपीज का मतलब है कि माइक्रो कैप शेयर है। जब माइक्रो कैप शेयर की बात करूं तो हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। और जब मैं बात करूं ऐसे छोटे शेयर की, तो एक चीज को और याद रखिएगा, रिस्क कि शेयर जब भागता है ना तो बड़ा अच्छा नजर आता है कि कैसे यहाँ पर 4 गुना रिटर्न यहाँ पर कुछ ही टाइम में बनते बनते बन गए। बट जब ये शेयर गिरता है तो उसी तरीके से गिरता हुआ नजर आता है कि कैसे 125 रुपए वाला स्टॉक्स कब कम में 20 रुपए, 10 रुपए के आसपास आ गया था। मतलब आपके 99% तक की, 90, 95, 99% तक के आपके रिटर्न आपसे छीन लिए थे, आपकी वेल्थ खराब कर दी थी। तो याद रखिएगा, ये शेयर सही टाइम पे लेना और सही टाइम पे बेचना ये बहुत जरूरी है। अगर ये कर लिया तो पैसे बनेंगे, नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है फिर कहीं ना कहीं आपको सेटबैक भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा सही टाइम, ठीक है ना, सही टाइम, एवरी स्टॉक्स का एक टाइम होता है, वो टाइम में आपको होना जरूरी है। अगर आप उस टाइम हो शेयर में, पैसे बनेंगे, अगर उस टाइम में नहीं हो तो याद रखिए पैसे नहीं बनेंगे। कंपनी करती क्या, 1994 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये सॉफ्टवेयर लिमिटेड आई कंपनी है, और सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ आईटी एंड इंटीग्रेटेड रिलेटेड सर्विस। तो आईटी और इससे रिलेटेड जो सर्विसेज होती है ना, उसमें कंपनी काम करती है। आप देख सकते हैं इंडिया और अच्छा खासा ये काम करती हुई नजर आती है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और जानना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, आपको और आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि कंपनी एग्जैक्टली कर क्या रही है, ठीक है। आपको पूरा का पूरा यहाँ पर पता चल जाएगी इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से है, ठीक है, और कंपनी यहाँ पर किस तरीके से कहाँ कहाँ पर ये काम कर रही है, वो पूरा का पूरा एक आइडिया आपको लगता हुआ नजर आएगा। तो इनकी वेबसाइट पे आप चाहो तो एक बार विजिट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट में जाओगे तो इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, इनके क्लाइंट से रिलेटेड, इनके पार्टनर से रिलेटेड वो सब कुछ आइडिया आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मार्केट कैप 194 है, तो माइक्रो कैप शेयर है, 28 का पी है, इंडस्ट्री का पी 38 का है, जब बताया था लगभग 14 का पी था, तो काफी सस्ता शेयर था, ठीक है। तो अभी 28 का है, अभी भी सस्ता है, बट याद रखिए पी के बेस पर कभी काम नहीं करना, महंगा है सस्ता है वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। आरओसी आरओई खास नहीं है,
सेल्स ग्रोथ देखोगे वो भी नेगेटिव में 100% के आसपास के यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ पर और चीजें देखोगे तो 10 का फेस वैल्यू, आगे चल के स्प्लिट भी मिल सकता है, डिविडेंड यहाँ पर बात करें तो किसी तरीके का डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी की जो सेल्स है कभी ज्यादा कभी कम हो जाती है और लगभग लगभग फ्लैट भी कभी कभी मोस्टली फ्लैट ही नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखोगे ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम ईयरली क्वार्टरली दोनों बेस पे यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। कंपनी का मार्जिन फ्लैट है, प्रॉफिट का रेशियो भी देखे जाए तो 2 से 2.31 है ना, जो कंपनी घाटे में थी वहां पर यहाँ पर 1.26 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है। काफी बीच बीच में बहुत घाटा भी हुआ है, फिर प्रॉफिट में ये फिर घाटा हुआ है, तो इस तरीके से इसका रोलर कोस्टर राइड की तरह यहाँ पर एक शेयर चलता हुआ नजर आता है। सेल्स ग्रोथ की बात करें जो कभी यहाँ पर 2018 19 20 2000 अच्छा खासा काम कर रही थी वो धीरे धीरे अब इसका डाउनफॉल आता हुआ नजर आ रहा है, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था जब इस तरीके के नंबर दिखाई देते हैं ना तो समय पर निकलना और समय पर चढ़ना है ना गाड़ी में वो बहुत जरूरी हो जाता है, अदरवाइज याद रखिएगा कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं जो कंपनी यहाँ 2017 तक अच्छा कर रही थी उसके बाद एक तरीके से डाउनफॉल ही आता हुआ नजर आया, और धीरे 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 कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, बट सेल्स यहाँ पर लगातार घट रही है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव विषय है। बात कर रिजर्व्स की तो रिजर्व्स यहाँ पर कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 105 करोड़ रुपीस के आसपास के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें बोरिंग लगातार कम हो रही है, ये एक पॉजिटिव बात है जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि जहाँ पर 2013 में 11-12 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इंटरेस्ट पे करती थी वो इंटरेस्ट अभी यहाँ पर 3 करोड़ के आसपास करती हुई नजर आ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सीधा प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि एक पॉजिटिव बात है। बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कंपनी के पास लगभग 11 करोड़ का कैश है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और तो यहाँ पर समझ में आएगा प्रमोटर्स अपने शेयर बेचना नहीं चाहते, 47% के आसपास की होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें पब्लिक यहाँ पर 52% की यहाँ पर होल्ड करती है, इनमें से दो बड़े यहाँ पर नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1.44 और 1.25% की होल्डिंग यहाँ पर रखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बल्क डील आपको दिखाई दे जाएगी, कौन बाइंग कर रहा है कोई सेलिंग कर रहा है वो पूरा का पूरा आइडिया आपको यहाँ पर लग जाएगा। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और इसके चार्ट से रिलेटेड क्या कह रहा है, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको क्या है केवल सीखने पर ध्यान देना, और सीखने के लिए यहाँ पर कोर्स है, साथ में यहाँ पर ये आपके साथ वीडियोज है जो कि बना के आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप इन डेप्थ जाके आप चीजों को यहाँ पर कर सकते हैं। नंबरों को नोट कर लीजिए, साथ में काम भी करना है, और ऐसी बेहतरीन पिक आपको चाहिए कि ऐसे मार्केट में गिरावट में आप किस तरीके से अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर चुन सकते हो। मार्केट गिर रही है, एक वीडियो अभी लाऊंगा तब आपको और क्लियरली यहाँ पर पता चलेगी कि हाँ ना मार्केट गिर रही है, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, बट अभी इस तब तो हम बात करेंगे कि कैसे अच्छे स्टॉक्स रह के आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर बात करते होने लगेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।